लुक रूप, डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ अ भूखी प्यासी टीचर। आज मैं तुम्हारी असली परीक्षा लूंगा। हे भगवान, आज के दिन तो बख्श दिया होता। लगता है इसका दिमाग ठिकाने नहीं है। ए प्रभु, मेरी वाइफ को क्या हो गया है? Won't you ask why I'm all curled up here? पता नहीं क्या भूख के मारे गड़प गड़प कर रही है। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। आप भी ना रो, बोला था आपको ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, फिर ये व्रत रखने की क्या जरूरत थी? मेरी बात अलग है, मुझे तो रखना ही था। आई एम बाउंड बाय दिस ट्रेडिशन। और आपको पता है ना, हर साल ऐसा होता है, हो जाती हूँ मैं ठीक। और वैसे भी हाउस होल्ड चोर्स के चक्कर में अक्सर लेडीज इतनी देर तक भूखी रह जाती हैं। दिस सीम्स लाइक एन एवरीडे स्टोरी टू अस। लगता है भूख और प्यास के मारे ये कुछ भी बोले जा रही है। पहले कडप कडप और अब ये। क्या बड़बड़ा रहे हो? अरे कंचन, हर साल तो तुम रहती हो मेरे लिए व्रत, मेरी लंबी उम्र की कामना करने के लिए। इस साल मैंने भी सोचा तुम्हारे लंबी उम्र की कामना के लिए मैं भी व्रत रखूं, ताकि तुम लंबे समय तक इंग्लिश पढ़ पाओ। हे भगवान, सच में रूप, आज के दिन भी आपको इंग्लिश की पढ़ी है? अरे कंचन, तुम तो बुरा ही मान गई। मैं कुछ बोलूं? देखो कंचन, तुम मुझे गलत मत समझो, तुम भूखी प्यासी हो, दर्द में हो, शायद इसीलिए तुमसे गलत इंग्लिश मुंह से निकल गई। लुक रूप, डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ अ भूखी प्यासी टीचर। तो तुम क्या चोर चोर बोल रही थी? आज मैं तुम्हारी असली परीक्षा लूंगा। अरे ये चोर वो चोर नहीं है जो चोरी करता है। फिर इंग्लिश में चोर का मतलब होता है अ टास्क दैट यू डू रेगुलरली। इसे हम हाउस होल्ड चोर्स भी बोलते हैं, मतलब घर के काम काज। और एवरीडे स्टोरी? एवरीडे स्टोरी का मतलब है कुछ ऐसा जो रेगुलरली होता है, मतलब हर दिन की कहानी, कुछ ऐसा जो नया नहीं है, अक्सर होता है। फॉर एग्जाम्पल, बींग लेट टू द ऑफिस इज एन एवरीडे स्टोरी फॉर राघव। राघव का रोज का काम है देर से ऑफिस पहुंचना। अब समझा। लेकिन कंचन, ये तो ठीक है, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो तुम क्या कडप कडप बड़बड़ा रही थी और कुछ बांधने की बात कर रही थी, बाइन बाउंड, पता नहीं क्या। अरे बाबा, कडप कडप नहीं, कर्ल्ड अप। इसका मतलब होता है टू लाई और सिट विद योर बैक कर्व्ड एंड योर आर्म्स एंड लेग्स बेंट क्लोज टू योर बॉडी। जैसे जब बहुत ठंड लगती है हम कैसे सिकुड़ के बैठ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Addy is sleeping in a curled up position. और रही बांधने वाली बात, तो कुछ कुछ आप सही हो, लेकिन मैं आपको पूरा बताती हूँ, सुनिए। I am bound by का मतलब है मैं कुछ करने के लिए बाध्य हूँ, meaning I am obligated. For example, मैं अपने वादे से बंधी हुई हूँ, I am bound by my promise. कंचन, आज मुझे फक्र महसूस हो रहा है तुम्हारा हस्बैंड होने का। देखो ना, इतने दर्द में भूखे प्यासे होने के बावजूद भी तुम्हारा इंग्लिश सिखाने का लगन, वाह। रूप, पॉप इट आउट फॉर मी। फालतू इसकी इतनी तारीफ कर दी, लगता है जिसका दिमाग ठिकाने नहीं है। कोई ना, आज के दिन कोई पंगे नहीं लूंगा। Pop it out and hand it over to me. रख तो दिया, pop it out. हे भगवान, आज के दिन तो बख्श दिया होता। क्या puppet? कौन सा puppet? मैंने तो pop it out बोला था। Pop something out का मतलब होता है कोई चीज प्रेशर के साथ झटके से बाहर निकालना। मेरा कहने का मतलब था, pop the tablet out for me from the strip.
ओ अब समझा। रू प्लीज अनस्क्रू द कैप एंड गिव दैट टू मी। ए प्रभु मेरी वाइफ को क्या हो गया है? कौन सा कैप, कौन सा स्क्रू? रूप अनस्क्रू द कैप ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी चीज का ढक्कन घुमाकर खोलना, जैसे बोतल का। ओ अरे मेरा तो आज व्रत है, मैं कैसे दवाई खा सकती हूँ? ये लो स्क्रू द कैप ऑन। और अब मतलब मत पूछना, मैंने अनस्क्रू का मतलब बताया ना, तो स्क्रू द कैप ऑन का मतलब घुमाकर ढक्कन बंद करना। I'm sorry, Ruth. I own up to my mistake. I hope you could overlook my inconsiderate behavior. Kanchan, आज के दिन ऐसी इंग्लिश ना बोलो ना जो समझ में ना आए। पहले से ही भूखा प्यासा हूँ। जब मैंने बोला आई ओन अप टू माय मिस्टेक, मेरा कहने का मतलब था कि मैं अपनी गलती मानती हूँ। रूपो बस करिए, चलिए ना करवा चौथ पूजा की तैयारी करते। वैसे भी अंग्रेजी सिखा सिखा के मेरी भूख और बढ़ती जा रही है। कंचन तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, मेरे लिए सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो रूप आप भी तो मेरे लिए भूखे प्यासे रह गए। I am adorning myself with traditional attire and jewelry for this festive evening. Adorn means kuch sajana ya samarna. Karwa Chauth is a festival celebrated in India by married women who fast for the well-being and longevity of their husbands. Longevity matlab dirghayu ya lambi umr. Karwa Chauth is very special to me. Though the first Karwa Chauth is considered very special for a newlywed bride. हमारा रिश्ता न्यूली वेड से कम थोड़े ही है। Am I any less than a bride? न्यूली वेड ब्राइड मीन्स नई नवेली दुल्हन। करवा चौथ फास्ट स्टार्ट्स विद ईटिंग सर्गी। सर्गी इंक्लूड्स गुडीज विद लोट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम वंस मदर इन लॉ, ट्रेडिशनली कुक्ड बाय हर एज अ प्री डॉन मील फॉर हर डॉटर इन लॉ टू हैव बिफोर सनराइज, सो दैट शी स्टेज एजल एंड एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे। प्री डॉन का मतलब है भोर का समय, एजल मतलब फुर्तीला या चुस्त। सिंस आई एम ऑब्जर्विंग अ फास्ट, रूप हैज बीन कीपिंग मी डिस्ट्रैक्टेड इन न्यूमरस वेज, कीपिंग मी कम्प्लीटली इनग्रॉस्ड एंड लीविंग नो रूम फॉर हंगर। कीप समवन डिस्ट्रैक्टेड मतलब किसी चीज पर से ध्यान हटाए रखना। इफ यू नोटिस्ड, रूप यूज्ड सो मेनी टैक्टिक्स टू कीप मी डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम थिंकिंग अबाउट फूड ऑल डे। इनग्रॉस्ड मतलब किसी भी चीज में पूरी तरह डूबा हुआ होना। लीव नो रूम मतलब किसी भी चीज के लिए कोई अवसर या संभावना ना छोड़ना। वी बोथ आर ट्राइंग टू लाइट अप द हाउस जस्ट लाइक एडीज स्माइल एंड स्प्रेडिंग पॉजिटिव वाइब्स। लाइट अप मतलब रोशन करना या प्रज्वलित करना। एडीज स्माइल कैन लाइट अप इवन द डार्केस्ट रूम। पॉजिटिव वाइब्स मतलब सकारात्मक ऊर्जा या अच्छा माहौल। Roop's comforting words have given me the positive vibes that every lady needs during this festival. If you have positivity within you, you can spread it to others. Comforting words matlab sukoon dene wale shabd. I'm just checking on the time of moonrise as I'm starving now. Roop feels the moon is late on purpose to test his patience. But I'm trying to reassure myself that I have made it this far, so everything will turn out smoothly. Check on something matlab kisi bhi cheez ya situation ke bare mein halchal lena. Moonrise ka matlab hota hai chand nikalne ka samay. I'm starving matlab mere pet mein chuhe kood rahe hain. On purpose matlab janbujhkar. To test one's patience matlab kisi ke dhairya ki pareeksha lena. Reassure myself matlab khud ko vishwas dilana. Have made it this far matlab yahan tak pahunch gaye ya itna kar liya. Turn out smoothly matlab bina kisi pareshani ke koi bhi kaam ho jana. Oh no, there is no sign of the moon yet. But I am prepared to perform all the rituals. No sign of something matlab kisi cheez ka namo nishan na hona. Rituals matlab riti rivaj. Finally, the moon is out. Truly, the most awaited moon of the year. Now we can start the rituals. The most awaited matlab jiska sabse zyada intezar ho. I'm looking at the moon through the sieve. And now I'm looking at Roop through the sieve. Wow, bhai, chand mein to daag hai, but mere pati mein nahi hai. Sieve matlab chalni.
Now we are both breaking our fast. Breaking fast matlab vrat kholna. Finally, I got a pat on my back to accomplish this loving task from my better half. Better half matlab jeevan sathi. A pat on the back matlab sarahna. Roop has got my back and he is a godsend. I am so grateful for everything. Godsend ka matlab hota hai bhagwan ka diya hua upahar. He or she has got my back ka matlab hai vah mere saath hai. I feel this is surely done on an empty stomach, but it's filled with loads of love, joy and faith.